दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप अपने सिस्टम को रिस्टोर करना चाहते हैं तो सिस्टम रिस्टोर में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए कि जो सिस्टम रिस्टोर है वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सिस्टम रिस्टोर के बारे में। अगर आप अपने सिस्टम को रिस्टोर कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि सिस्टम रिस्टोर क्या है। व्हाट इज़ द सिस्टम रिस्टोर? दोस्तों, सिस्टम रिस्टोर होता है एक प्रकार का जो रिकवरी टूल होता है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ परिवर्तनों को दोस्तों वापस करने की अनुमति देता है। और ये सिस्टम में दोस्तों सिर्फ विंडोज़ में काम करता है, चाहे आपका विंडो 7 हो, विंडो 10 हो या फिर विंडो 8.1, विंडो का दोस्तों कोई भी वर्जन हो, ये विंडो में ही कार्य करता है। इसे दोस्तों आप इस नज़रिए से देख सकते हैं, जैसे आपने मूवी में टाइम ट्रेवल देखा होगा, जिसमें दोस्तों भविष्य में भी जा सकते हैं और अतीत में भी जा सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, सिस्टम रिस्टोर आपको आपके अतीत में लौटने की गारंटी देता है। ये कंप्यूटर में कार्य करता है दोस्तों, और ये आपकी जो सिस्टम फाइलें हैं उनको अतीत में जाकर उनको सही कर देता है। इसका प्रयोग दोस्तों फाइलों और सिस्टम की जो सेटिंग होती हैं उनको वापस करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका जो सिस्टम है ड्राइवर नहीं वर्क कर रहा है, आपका सिस्टम ज़्यादा हैंग हो रहा है, या फिर कोई आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया है दोस्तों वो दिक्कत कर रहा है, तो उसको जो पुराने वर्जन था उसमें ये परिवर्तित कर देता है। इसका उपयोग दोस्तों सिस्टम की खराबी और अन्य समस्याओं के लिए आप कर सकते हैं, और ये विंडो में ही कार्य करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और दोस्तों, ये आपके जो वीडियो होते हैं, फाइल होते हैं, और जो ऑडियो फाइल PDF वगैरह होते हैं, और जो कोई MS Word या फोटोशॉप में जो भी आपकी फाइल सेव होती हैं उनको कुछ प्रभावित नहीं करता है। इसे दोस्तों आप एक नज़रिए से देखें तो इसे अंडो कह सकते हैं। जैसे आपके MS Word में कुछ वर्क करते हैं और आपसे कुछ गलत हो जाता है तो Ctrl+Z अंडो से आप वापस करते हैं, उसी तरह से ये भी आपके सिस्टम में कुछ चीज़ों को वापस कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो सिस्टम रिस्टोर होता है ये करता क्या है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिस्टम रिस्टोर है केवल विंडो फाइलों को ही प्रभावित करता है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में कोई खराबी आई है उन फाइलों को दोस्तों इन सॉफ्टवेयर को ये अनइंस्टॉल कर देता है जो सही से वर्क नहीं कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए दोस्तों, आपने कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी अपना जो प्रोग्राम है वो इंस्टॉल करते हैं और वो सही से कार्य नहीं करता है, चाहे आप कोई गेम करते हों, चाहे दोस्तों आप कोई सॉफ्टवेयर करते हों, MS Word आपने इंस्टॉल किया हो, अगर वो सही से वर्क नहीं करता है तो इसको अनइंस्टॉल कर देता है। एक और उदाहरण से समझिए दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर को एक सप्ताह पहले की स्थिति में पहुंचा देगा और उस एप्लीकेशन को रिमूव कर देगा जो आपने इंस्टॉल किया था, वहीं पर जाएगा, जैसे दोस्तों टाइम ट्रेवल में होता है, उसी तरह से उसी स्थिति में जाएगा जब आप एक हफ्ता पहले इसको इंस्टॉल कर रहे थे, और इसको ये वहीं पर उसी स्थिति में जाकर एक हफ्ता पहले इसको अनइंस्टॉल कर देगा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली इसमें बात यह है कि जो सिस्टम रिस्टोर ये गारंटी नहीं लेता है कि ये आपके कंप्यूटर को जो भी कमी थी वह सही हो ही जाएगी। वो कमी 2 या 3 सप्ताह पहले आई हो तो वो कमी सही नहीं होगी, और अगर एक हफ्ता पहले ही ये कमी आई होगी तो फिर ये कमी सही हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सिस्टम रिस्टोर होता है ये क्या नहीं करता है। दोस्तों, ये सिस्टम रिस्टोर आपकी सेव की गई फाइलों, फ़ोटो, ईमेल, PDF, वीडियो, इनको दोस्तों कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। आप इसका उपयोग बिना किसी घबराहट, हिचकिचाहट के कर सकते हैं। सिस्टम रिस्टोर एक सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से हटा सकता है, पर उस सॉफ्टवेयर के द्वारा किए गए काम को नहीं हटा सकता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने MS Word में कोई पैराग्राफ टाइप किया था और वो आपने सेव कर दिया था, या फिर कोई फोटोशॉप में आपने कोई इमेज एडिट की थी और वो आपने सेव कर दी थी, लेकिन जब आप अपने सिस्टम को रिस्टोर करेंगे तो ये उस फाइल को नहीं हटाएगा, तो उस प्रोग्राम को हटा सकता है, फोटोशॉप को हटा देगा, लेकिन जो आपने उसमें फाइल एडिट करके सेव कर दी थी तो इसको नहीं हटाएगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, मैंने जहाँ तक कि आपको सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह का कॉन्टेंट मिलता रहे। और दोस्तों, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।